Hello students, I am here to tell you important questions and topic about 12th HSC Maharashtra Board for bookkeeping and accounting paper. उसके लिए आपको पहले पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसके चार पार्ट रहेंगे ए बी सी डी. तो फर्स्ट में आपके MCQs रहेंगे 5, सेकेंड में राइट ऑड वन आउट, नहीं राइट वन वर्ड, देन सी सी में ऑड वन आउट, डी में कैलकुलेट द फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट रहेंगे, ये रहेंगे 20 मार्क्स के. फिर आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, पार्टनरशिप में चॉइस रहेगी आपकी. तो आप एडमिशन या रिटायरमेंट में से कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए. देन थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड और बिल ऑफ एक्सचेंज में चॉइस रहेगी. तो आप या फिर डिसोल्यूशन अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से कर लीजिए. बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है. एंड फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसमें है इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसमें, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग. कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग पूरा थ्योरी है, तो आप इसमें ये थ्योरी ही आएगा, तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिए. आप इशू ऑफ शेयर स्किप कर सकते हो. तो इशू ऑफ शेयर एंड कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग में चॉइस आएगी. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उसमें डेथ ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर और फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों चैप्टर में चॉइस आएगी. तो डेथ ऑफ पार्टनर और फाइनेंशियल एनालिसिस वाले चैप्टर्स में चॉइस आएगी, तो इन दोनों में से आप कोई एक चैप्टर कर लीजिए. देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न. इसमें रिसीट एंड पेमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, तो उसमें वो आपको कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है. वो 12 मार्क्स का है, वो आपको करना ही है. तो चैप्टर नंबर 2 अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो आपको करना ही है, उसकी थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी पूरा. देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आएगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. इसका प्रैक्टिकल आना ही है और इसमें कोई चॉइस नहीं है, वो है 12 मार्क्स की. तो आपको ये फाइनल अकाउंट्स भी 12 मार्क्स का पूरा प्रिपेयर करना है अच्छे से. तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया. इसके बाद आपको हाँ थ्योरी सारे चैप्टर्स की पढ़नी है. एंड जो आपकी ये बुक है ना, इसके जो पीछे जो हैं सब दिया है, उसमें थ्योरी आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है. ओनली दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल. जो ऑप्शन रहेंगे आपको वो प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे. तो आप थ्योरी सारे चैप्टर्स की पढ़िए और प्रैक्टिकल जो चॉइस है उनके अच्छे से कर लीजिए. थ्योरी आपको सारे चैप्टर्स की पढ़नी है. तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी. थैंक यू.